हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत महुदी मोड़ स्थित जीटी रोड बारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में 10 अप्रैल 2021 को शादी समारोह से अपने पति के साथ वापस घर लौट रही थी कि विपरीत दिशा से आ रही ऑक्सीजन लदे टैंकर की चपेट में आने से महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। तभी प्रशासन ने ऑक्सीजन टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। ये ऑक्सीजन टैंकर जमशेदपुर से फरीदाबाद जा रही थी। कोविड-19 को देखते हुए सभी को इस वैश्विक महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रतिदिन लोगों की मौत हो रही है। वहीं बरही डीएसपी नजीर अख्तर ने कहा, अभी ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है। गाड़ी में लदे जीवन रक्षक ऑक्सीजन से कई लोगों की जान बच सकती है। गैस कंपनी के मैनेजर मनीष कुमार ने कहा, इस गाड़ी में 30 टन गैस है जिससे लगभग 500 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए हमारे जिले के पुलिस प्रशासन, चौपारण थाना प्रभारी विनोद तिर्की, एएसआई सहदेव मुंडा, हजारीबाग बार एसोसिएशन एवं लिंडे कंपनी जमशेदपुर के जोनल मैनेजर मनीष कुमार चौबे, ट्रांसपोर्टर विपिन सिंह, एयरवेज सुपरवाइजर पंकज प्रसाद का काफी सहयोग रहा। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अधिवक्ता राम अधीन पासवान, सिविल कोर्ट हजारीबाग। कल एक ऑक्सीजन टैंकर को चौपारण प्रशासन द्वारा छोड़ा गया, क्या पूरा मामला था? 10/4/2021 को मौजूद 12 में उस गाड़ी से टैंकर से ऑक्सीजन टैंकर था और उसी में एक महिला की मौत हो गई थी और उसी वजह से चौपारण थाना में जब्त था। जबकि इस कोविड महामारी में उस टैंकर और ऑक्सीजन की अति आवश्यक था और उस ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्टिंग से कई लोगों की जो पेशेंट है कोविड का जान बच सकते थे। और इसी के आलोक में जो कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से और आपका एयरवेज के जो मैनेजर है मनीष कुमार और बितिन जी और उसका जितना भी सहयोगी है सभी प्रयासरत थे और उन्हीं के प्रयास से और हम लोगों के प्रयास से ये गाड़ी को मुक्त कराया गया और इसमें न्यायालय का भी सहयोग रहा और बार एसोसिएशन का भी सहयोग रहा। बेहतर रोल चूंकि जिले का तमाम अधिकारी लोग किए हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहें इस मैटर में? हजारीबाग जिले के जो अधिकारी लोग जो सपोर्ट किए हैं हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे और हम सबसे पूरे इंडिया पब्लिक से यही कहेंगे कि जैसा हजारीबाग सरकार ने हजारीबाग जो अपना जिला है जो प्रशासन काम किए हैं वैसे पूरे इंडिया में सभी लोग ऐसे ही काम करें कि गैस गाड़ी कहीं ना रुके और गैस गाड़ी को कहीं भी दिक्कत होता है तो उसके साथ उसका हेल्प करें जो कि वो हॉस्पिटल में जाए और रोगी को बचा सके। गाड़ी का नंबर थोड़ा बता दें। 05CD7145। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं हम पूरे हिंदुस्तान में ये चीज बताएं कि जो आज लोग सभी लोग हेल्प कर रहे हैं वो सबको करना चाहिए कि हर एक पेशेंट भी हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है एक पेशेंट को भी हम किसी को पेशेंट को एक भी पेशेंट मरना नहीं चाहिए, हम सब पेशेंट को बचाएं, यही हमारा एक लक्ष्य है। और इस काम के लिए हम हजारीबाग को, हजारीबाग जिले के प्रशासनिक अधिकारी को तहे दिल से, आपका कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर कल एक ऑक्सीजन लदे टैंकर को कल चौपान से छोड़ा गया, क्या पूरा मामला था? देखिए 10 अप्रैल 2021 को जमशेदपुर से गैस टैंकर जो कि अपने गंतव्य गाजियाबाद की ओर जा रहे थे महोदय मोड़ के पास एक महिला जो शादी विवाह में समारोह से वापस आ रही थी उसको अपने चपेट में ले लिया था और थाना के द्वारा जब्त किया गया। कल पुलिस और प्रशासन और कोर्ट के सहयोग से जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना महामारी फैली हुई है और ऑक्सीजन की अभी सख्त आवश्यकता है क्योंकि वो ऑक्सीजन टैंकर था, इसलिए पुलिस प्रशासन और कोर्ट के द्वारा इसको प्रयास करते हुए ऑक्सीजन टैंकर को छोड़ा गया। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।